हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। आरबीआई ने कुछ अपनी पॉलिसी में चेंज किया है, कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट से रिलेटेड और कुछ जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, नगर निकासी करते हैं या फिर गैर वित्तीय लेन देन करते हैं, तो उन पॉलिसी में कुछ चेंज किया है। क्या चेंज किया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नगद निकासी में अगर ट्रांजेक्शन लिमिट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हम लोग करते थे तो रेट जो था 15 रुपये चार्ज करता था पर ट्रांजेक्शन, लेकिन उसे बढ़ाकर अभी 17 रुपये कर दिया गया है। और जबकि गैर वित्तीय लेन देन था उसमें 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया गया है। ये बैंक में चार्जेस कटते हैं तो ये किस बेस पे कटते हैं? क्या ये हर किसी के अकाउंट से कटेगा? जी नहीं, हर किसी के अकाउंट से नहीं कटेगा। जो लोग जो ट्रांजेक्शन लिमिट है एटीएम की, उसमें अगर ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो होगा। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर बड़े महानगर हैं, वहाँ पे जो एटीएम से विड्रॉल लिमिट है मैक्सिमम 3 बार, 3 बार तक अगर हम पैसे निकालते हैं एटीएम से तो कोई भी चार्ज नहीं करता है। जबकि जो छोटे नगर हैं या फिर टाउन्स हैं वहाँ पे 5 बार की लिमिट है, विलेजेस में 5 बार का लिमिट है, 5 बार तक कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं कटता है। लेकिन जैसे ही 5 के बाद 6वीं बार हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो अपना ये पर ट्रांजेक्शन हर लेन देन पर वो चार्ज कटता है। अब ये लेन देन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश निकासी पर करें, हम अगर मिनी स्टेटमेंट चेक करें तो भी एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा, हम बैलेंस चेक करें तो भी एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा, और ट्रांजेक्शन लिमिट जैसे ही पूरा होगा वो पैसे काटने शुरू हो जाएंगे। बस फर्क इतना है कि अगर हम कैश लेन देन करेंगे तो कैश निकासी करेंगे तो वहाँ पे 15 रुपये जो कट रहे थे अभी तक, अब 17 रुपये हो जाएंगे। जबकि अदर काम है जैसे कि मिनी स्टेटमेंट चेक करना, बैलेंस चेक करना, पिन चेंज करना, ये सारे ट्रांजेक्शन पे 5 रुपये पड़ते थे, अब 6 रुपये हो जाएंगे। ये सारे चेंजेस तभी लागू होंगे, ये सारे चार्जेस तभी लागू होंगे जब आप इंटरचेंज बैंक में जाएंगे। मींस कहने का यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास SBI का ATM कार्ड है और उस SBI का ATM कार्ड में दूसरे बैंक में इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहाँ पर चार्ज कटेगा, न कि हम उसी बैंक में यूज़ करें तो कटेगा। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। और जो ये भी चार्ज बढ़ेंगे 15 से जो 17 हो रहा है या फिर 5 रुपये से 6 रुपये बढ़ के हो जाएंगे, ये किस डेट से लागू होगा? 1 अगस्त 2021, 1 अगस्त 2021 के बाद ये चेंजेस लागू हो जाएंगे और जो रेट बढ़ने वाले थे वो 1 अगस्त 2021 से ही बढ़ जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में एक और बदलाव आया है जो कि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। अगर हम नगद निकासी कर रहे हैं, जो बैंक ने लिमिट सेट कर रखा है उस लिमिट से ज़्यादा, वो डेली लिमिट हो सकता है या फिर पर ट्रांजेक्शन लिमिट हो सकता है, उस लिमिट से ज़्यादा अगर हम निकासी करते हैं तो उस पर भी बैंक चार्ज लगाती है। तो RBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितना चार्ज है? 20 रुपये पहले अभी तक पड़ रहे थे, लेकिन उसको बढ़ा करके 21 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है और ये चेंजिंग 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। जो कैश निकासी पे था ये 1 अगस्त 2021 से अभी लागू हो जाएगा, बट जो ट्रांजेक्शन की जो कैश की जो अमाउंट है उस अमाउंट से ज़्यादा निकालेंगे तो उसमें जो 20 रुपये से बढ़ के 21 रुपये का चार्ज होगा वो कब होगा? वो होगा 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। और RBI में ये जो ट्रांजेक्शन पे पैसे कट रहे हैं ये 2019 में सबसे पहले लागू करने की बात कही गई थी, जो कि VG कन्नन की अध्यक्षता में बताई गई थी। VG कन्नन की अध्यक्षता में ATM शुल्क और शुल्क की समीक्षा के लिए एक बैठक हुई थी। ATM के लेन देन में सबसे पहले जो परिवर्तन किया गया था वो 2012 में किया गया था, जबकि देय शुल्कों के अंतिम बार अगस्त में 2014 में संशोधित हुआ था। पहली बार ATM के चार्जेस की जो संरचना बनाई गई थी वो 2012 में, और संशोधन उसमें किया गया 2014 में किया गया था। और ये जो चेंजेस हैं बार बार बढ़ते जा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, हर प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगा है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे में जो बैंक अपना इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जगह जगह पर ATMs लगा रहे हैं, तो उन ATM का लगाने का, उन ATM में पैसे डालने का खर्चा आता है, उस खर्चे को भी नहीं कवर कर पा रहे हैं लोग। तो उस खर्चे को कवर करने के लिए ये जो ट्रांजेक्शन चार्ज हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही देख लेते हैं RBI से रिलेटेड कुछ GK। RBI का लोगो आप लोगों के स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन हुआ था।
ये आरबीआई का गठन जो हुआ था वो एक एक्ट के द्वारा हुआ था, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 था। आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई का गठन हुआ, जो कि हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा सिफारिश की गई थी 1926 में। हिल्टन यंग कमीशन 1926 में सिफारिश किया था, जिसका एक एक्ट आया 1934 में और आरबीआई फाइनली बन गया 1 अप्रैल 1935 को। जबकि ये जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था, तो उस समय ये अंग्रेजों के अधीन था और तब उस समय हेडक्वार्टर अपने मुंबई में नहीं था, तब कोलकाता में था। फिर बाद में इन्होंने 1937 में हेडक्वार्टर जो है कोलकाता से हटा करके मुंबई में कर दिया, और राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। मीन्स भारतीय बैंक पूरी तरह से, ये रिजर्व बैंक जो बना था 1 जनवरी 1949 को बना था। इस समय जो 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, वो हैं शक्तिकांत दास, और पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे जब 1 अप्रैल 1935 को बना था, लेकिन जब राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद जो इंडिया के आरबीआई के गवर्नर हुए वो थे सी टी देशमुख। इसमें चार डिप्टी गवर्नर हैं और एक गवर्नर है। गवर्नर तो शक्तिकांत दास हैं। चार डिप्टी गवर्नर कौन कौन हैं? मुकेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल डी पात्रा और आर रवि शंकर। ठीक है, कुछ रेट्स हैं जैसे कि पॉलिसी रेट है, रेपो रेट है, ये सब रेट कुछ होते हैं। पॉलिसी रेट 4% है, रिजर्व रेपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग रेट 4.25 और बैंक रेट 4.25% है। पॉलिसी रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिपो रेट ऐसा रेट है जिसमें बैंक आरबीआई से लोन लेता है और उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसे रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करता है और उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, वो है 3.35%। रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट से हमेशा कम होता है, और इसमें रेपो रेट इस समय जो रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। ऐसे ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25, बैंक रेट 4.25 बराबर है। कैश रिजर्व रेशियो इस समय 4% है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब यह है कि बैंक अगर अपना संचालन करना चाहे तो कम से कम उसको कितना अमाउंट रिजर्व करके रखना है, 4%, यानी कि 4% वो कैश रिजर्व रखना ही पड़ेगा उनको बैंक के संचालन के लिए। अगर इतना कैश अगर मेंटेन नहीं कर पाता है बैंक, तो आरबीआई उन पे एक्शन ले सकती है। ऐसे ही एक एसआरआर जो रेट है वो 18% है। साथ ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि एनईएफटी है, आरटीजीएस है, एनपीसीआई है, और इसके अलावा एक चीज़ और आजकल चल रहा है, आईएमपीएस। ये सब क्या होते हैं? एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो कि 24x7 यानी कि 24 घंटे सातों दिन हमेशा चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगर बैंक के टाइम पे आप जाते हैं बैंक में, तो ऑफलाइन कर सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन कर सकते हैं मोबाइल का, इंटरनेट का इस्तेमाल करके। मिनिमम ट्रांसफ़र लिमिट कोई नहीं, कुछ भी लिमिट नहीं होती है। मैक्सिमम ट्रांसफ़र लिमिट भी कुछ नहीं होता है, यानी कि हम 1 रुपये से लेकर के जितना चाहें उतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनईएफटी के द्वारा। मैक्सिमम लिमिट जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, पेमेंट ऑप्शन ऑनलाइन ऑफलाइन तो बता दिया। सेटलमेंट टाइप हाफ आवरली बेसिस। हाफ आवरली बेसिस का मतलब, सेटलमेंट का मतलब यह है कि कब पैसे अकाउंट में पहुंच जाते हैं उन्हें बोलते हैं सेटलमेंट। जब पैसे अकाउंट में पहुंच जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं सेटलमेंट। तो सेटलमेंट जो है हर आधे घंटे में हो रहा है, और कोई भी इस पे पेमेंट का चार्ज नहीं लगता है। जितना भी हम ट्रांजेक्शन करें सब 0 फीस पे होता है। ऐसे ही एक आरटीजीएस है जिसका नाम दिया गया है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। वैसा ही है, बस फर्क इतना है कि इसमें आधे घंटे का, जो एनईएफटी में आधे घंटे का टाइम लगता था सेटल होने में, आरटीजीएस में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही हम पैसे सबमिट करेंगे वो तुरंत अकाउंट पहुंच जाएगा। मिनिमम ट्रांसफर लिमिट जो है 2 लाख, और मैक्सिमम ट्रांसफर की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम कम से कम 2 लाख रुपए होंगे तभी हम आरटीजीएस कर सकते हैं, वरना एनईएफटी या आईएमपीएस करना पड़ सकता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मेथड से हम आरटीजीएस कर सकते हैं। सेटलमेंट रियल टाइम होता है। रियल टाइम का मतलब ये है बिना किसी देरी के, जब चाहे तब तुरंत पैसे अकाउंट में हो जाए, उन्हें बोलते हैं रियल टाइम। इसमें भी कोई चार्ज नहीं होता है, आरबीआई ने कोई भी चार्ज नहीं रखा है। इसके अलावा एक चीज़ और है,
एनपीसीआई और आईएमपीएस। आईएमपीएस भी एक टाइप का पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें इमीडिएट पेमेंट होता है, यानी कि उसमें भी तुरंत पेमेंट होता है। आजकल जितने भी पेमेंट ऐप्स आप लोगों के दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे और भी बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप भी अपना पेमेंट सिस्टम चालू कर दिया है इंडिया में, तो ये सारे पेमेंट जो हैं आईएमपीएस पे बेस्ड हैं, जो कि एनपीसीआई रेगुलेट करती है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई रेगुलेट करती है इन सारे एप्लीकेशंस को, सारे गाइडलाइंस इन्हीं के बनाए होते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया आरबीआई से रिलेटेड करंट न्यूज़। आपको ऐसे ही वीडियोस अगर चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इधर आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा। थैंक्स।